हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ जेबी पटेल। आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पावर ऑफ केमिस्ट्री में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, कैसे ला सकते हैं हम 90 अब। तो ये बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ एक शानदार एग्जाम्पल के साथ, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। नो झूठ ओनली ट्रूथ। कि आपको किसी डॉक्टर का कंसल्ट करना है क्योंकि आपको कुछ बीमारी है। आप पहली दफ़ा डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बताया कि मेरे पेट में ये पेट में पेन हो रहा है, तो मुझे कोई टैबलेट दे दो, कोई मेरा इलाज कर दो। तो डॉक्टर आपका इलाज करने के लिए रेडी है। आपका रिपोर्ट निकाला तो रिपोर्ट में आया कि आपको स्टोन है, आपके किडनी के अंदर स्टोन है। तो उसने एग्जैक्ट रिपोर्ट के हिसाब से इलाज किया तो आपका किडनी का स्टोन ठीक हो गया। और अगर आपने डॉक्टर को जाके कुछ बोला नहीं होता, शायद आप पहुंच गए डॉक्टर के पास और आपने कुछ भी बोला नहीं और डॉक्टर को कहा कि मुझे आपकी दवाई चाहिए, और डॉक्टर को मालूम ही नहीं है कि आपको कौन सा दर्द है, क्या प्रॉब्लम है आपकी, कुछ भी डॉक्टर को मालूम नहीं है, तो डॉक्टर आपको दवाई देगा बिना कोई रिपोर्ट, बिना कोई एनालिसिस, बिना कोई सिंड्रोम देखे, बिना जो डॉक्टर आपको दवाई देगा तो आपका इलाज क्या ठीक होगा? आप ही बताइए, होगा ठीक? नहीं होगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये इलाज ठीक होने वाला नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डॉक्टर ने एक्जैक्ट, बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट रीज़न नहीं फाइंड किया था, और एग्जैक्ट रीजन ना फाइंड करते हुए जो डॉक्टर इलाज करेगा तो आपका जो आपके बॉडी में जो गड़बड़ी है, आपके बॉडी में जो तकलीफ हो रही है, वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी, कभी भी आप दूर नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर को प्रॉब्लम तक जाना होगा। तो मैं आज आपके लिए 90 अप ग्रोथ करना है तो क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उस पर ही बात करने वाले हैं। तो हमें एक पेरेंट्स की तरह, एक टीचर की तरह सोचना है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो 90 अप ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तो क्यों नहीं कर पा रहा, क्या वजह है ऐसी? तो इस वजह पे हम आज बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि तारे जमी पर जो फिल्म है उसमें एग्जैक्ट वजह को फाइंड किया था कि आमिर खान जी ने क्या किया था। आमिर खान जी ने उस फिल्म में कुछ भी नहीं किया था। कि ईशान अवस्थी नाम का वो बच्चा था, उसमें एक ही प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि वो अल्फाबेटिकल फाइंड नहीं कर पा रहा था, अल्फाबेटिकल में समझ नहीं पा रहा था। मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, पी और क्यू दोनों की आइडेंटिफाई करने में उसे गड़बड़ी होती थी। कि एस आई आर सर ऐसे लिखना है तो वो सर कैसे लिखता था, एस आई आर, देखने में तो ये और ये दोनों सेम ही है, वो स्पेलिंग अपने आप तो सही लिखता था मगर सामने वाले देखने वाले पर्सन को ये गलत लगती थी। और उसके नोटबुक्स में सभी क्रॉस मार्क ही दिखते थे। कोई ऐसा टीचर ना मिला उसको, ना पेरेंट्स मिले कि ये प्रॉब्लम को देखे और सॉल्व कर सके। सिर्फ एक ही आदमी आया, आमिर खान जी आए, और इस उन्होंने देखा कि इस बच्चे में ये बढ़िया प्रॉब्लम है, ये इसका प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम पर सीधा अटैक किया। उस बच्चे को जो अल्फाबेटिकल में प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला दिया। तो आपने देखा वो बच्चा पहले से ज़्यादा ग्रोथ करने लगा। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आते ही वो बच्चा ग्रोथ करने लगा। मेरे एग्जाम्पल में मैंने बताया, डॉक्टर ने आपका प्रॉब्लम देखा फिर इलाज किया। समझिए, ये दोनों बात सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना ही करते हैं कि प्रॉब्लम देखते नहीं है, प्रॉब्लम देखे बिना ही अटैक करते हैं। तो ऐसे करोगे तो बच्चा 90 अपने 90 से डाउन हो जाएगा भाई, क्या होगा, 90 से डाउन हो जाएगा, और एक आत्मे से अपना बच्चा आप खो देंगे। तो और मैंने एक बात नोटिस की है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई नहीं लाता, उसके बिना उसको टॉर्चरिंग करते हैं, करते हैं कि भाई तू 90% क्यों नहीं लाता, तू क्यों ऐसा पढ़ता नहीं है, क्यों तू क्यों पढ़ाई करता नहीं है, तू तकरीबन 10 घंटे क्यों नहीं पढ़े। पर कैसे पढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट तो होना चाहिए, मालूम ही नहीं पड़ता केमिस्ट्री पढ़ा कैसे जाता है, फिजिक्स पढ़ा कैसे जाता है, उसको कुछ याद ही नहीं रहा, कैसे कैसे पढ़ेगा, कैसे 90 अप ग्रोथ करेगा, तो नहीं कर सकता। अरे जमीन पर जो फिल्म है उसमें एक दूसरा माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल लिया है, उसमें लिया है कि एक पेड़ था, एक क्या था, पेड़ था। इस पेड़ को आदिवासी लोग काटते नहीं थे, क्या करते थे
कि आदिवासी लोग यहाँ पर जाते थे पेड़ के नज़दीक और इसको गालियाँ देते थे। क्या देते थे? गालियाँ। पेड़ को काटना ही नहीं पड़ता था, ऑटोमेटिकली पेड़ सूखा पड़ जाता था और थोड़ी ही देर में वो यहाँ से गायब हो जाता था, कि वो टूट के गिर जाता था। मतलब क्या हुआ? आप कुछ ऐसा ही कर रहे हो, सुनिए मेरी बात, आप कुछ ऐसा ही कर रहे हो। आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे नहीं ध्यान दे रहे, आप दे रहे हो ओनली साउटेड, ओनली आपके बच्चों को डांट रहे हो। डांटना बंद कीजिए, पहले देखिए कि वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी और कोई भी इतना सब्जेक्ट है तो वो क्यों नहीं पढ़ रहा, ना पढ़ने की वजह जानिए, फिर उसका इलाज कीजिए। आई एम श्योर दैट कि 91% आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो आज इस वीडियो में मैं आपको शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने बच्चे को 90% ग्रोथ करा सकते हैं। बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एग्जैक्ट जो रीज़न है उसको फाइंड करना है, और वो फाइंड करना आसान है। आप उसके पास बैठिए, एक बार बैठ के देखिए कि वो क्या है, क्या रीज़न है जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाता। उसको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, जिस सब्जेक्ट में तकलीफ हो, वो तकलीफ क्या है, उसको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता हमारा, उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्या उसको प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम आप फाइंड कीजिए और फिर आप देखना मैजिक होगा, और इतना पावरफुल मैजिक होगा कि आप देखते रह जाओगे और आपका बच्चा 90% आसानी से ग्रो करेगा। उसका जो रिजल्ट है वो कभी भी डाउन नहीं आएगा, अब ही चलेगा। ओके, देखिए एक बात को ध्यान दीजिए, ये आपका बच्चा जो 90% ग्रोथ नहीं कर रहा तो उसका जिम्मेदार वो नहीं है, आप है और मैं हूँ और कोई नहीं, हम ही है जो इनका जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वैसे आपको क्लियर करता हूँ कि समझ लीजिए, इस दुनिया में कोई एक नया बच्चा आया और उसको कुछ ही मालूम नहीं है, इस दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो वो अपने साथ क्या लेके आएगा? अपने साथ कुछ नहीं, सैकड़ों सवाल लेके इस दुनिया में एंटरिंग होता है। उसके पास एक ही होता है, क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। वो क्वेश्चन मार्क लेके इस दुनिया में आता है। और आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत 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 सारे क्वेश्चन पूछते हैं। वो हमें बार बार बोलते हैं कि सर ये पेन है तो ये पेन क्यों है, इसमें क्या है, उसमें कौन सा कलर डालते हैं, कैसे डालते हैं, ये फैन है तो गोल गोल क्यों घूम रहा है, ये ट्यूबलाइट लाइट चालू क्या, ये ट्यूबलाइट है वो चालू कैसे होती है, ये कोई कुर्सी है तो कुर्सी क्यों है, क्या क्यों ऐसे किया, किस चीज़ से वो बनी हुई है, कागज़ है तो कागज़ किसका बना हुआ है, ऐसे सैकड़ों सवाल उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। मगर हमारे पास टाइम ही नहीं होता ना। आप, मैं और मेरे जैसे कितने भी टीचर और कितने भी पेरेंट्स ऐसे हैं, उसके पास टाइम ही नहीं होता कि उस क्वेश्चन का कोई एग्जैक्ट आंसर दे। इसलिए हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट हो बच्चा हो, उसको बोलते हैं बैठ जा, तुझे मालूम नहीं पड़ेगा कुछ, तो भाई बेकार सवाल कर रहा है, ये सवाल कुछ काम के नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोल के हम उसे क्या करते हैं, उसका जो क्वेश्चनिंग करने का जो हुनर था उसको हम गिरा देते हो। तो इस वजह से क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, उसके दिमाग में से, उसके दिल में से क्वेश्चन मार्क ही खत्म हो गया मेरे भाई। क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क आपने खत्म कर दिया। अब वो लड़का है, वो जैसे 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 बड़ा होगा तो वो क्वेश्चनिंग ही नहीं करेगा। आप नहीं मानोगे, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट हैं, मैंने हर स्टूडेंट में देखा कि मैं जैसे जैसे लेक्चरिंग स्टार्ट करता हूँ उसके बाद मैंने सैकड़ों स्टूडेंट देखे, मगर उसमें क्वेश्चन मार्क की बहुत कमी है। इसलिए तो मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि अभी कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहा। जैसा हो वैसा हो, क्वेश्चन करे तो सही, मगर वो कोई मेरे स्टूडेंट में से कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा। तो आई एम शॉकिंग कि ये स्टूडेंट सब ऐसे क्यों हो गए हैं, क्यों ये लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, और क्वेश्चन नहीं करेंगे तो वो कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन सकते। आप जानते हैं क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, वो 90% ग्रोथ कैसे करेंगे। तो आपको 90% ग्रोथ कराना है तो पहले जो कली हमारी मुरझा गई है उसको खिलानी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चनिंग जो क्रॉस मार्क हो गया है उसको वापस लाना पड़ेगा। क्वेश्चन करे वो बहुत ज़रूरी है, जो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो स्टूडेंट कभी भी 90% ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले अपने घर में
और स्कूल में और कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, ऐसे स्टूडेंट को बनाना पड़ेगा कि वो हर समय क्वेश्चन मार्क लगा के ही पढ़े, कि हर समय वो क्वेश्चनिंग करते रहे। ओके, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी फिल्म तारे जमी पर है, उसने ना के उसने उन्होंने आमिर खान जी ने क्या किया इस फिल्म में, तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम पर ही अपना अटैक किया और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया, तो 90 अप ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो गया। तो हमें भी इन फिल्म में से यही सीखना है कि किसी भी स्टूडेंट को अप लाना है तो हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ना कि उसको डांट डांट करके उसका मोरल तोड़ना है। ओके, तो इस अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तमेव तमेव मातुः सखा तमेव तमेव।